सिक्किम के जवान में सेना ट्रक खाई में गिरने से वे सड़क हादसे में। शहीद है झुंझुनू के लाल मनोज यादव का रविवार को उनके पैतृक गांव माजरी में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व पचेरी कला थाने से लेकर उन्हें गांव तक हजार यावन डीजे बाइक के साथ देशभक्ति की गीतों की धुन पर तिरंगा रैली निकालकर लाडले को सलाम किया। जानकारी के अनुसार शहीद मनोज यादव की पार्थिव देह देर शाम दिल्ली पहुंची थी और इसके बाद सेना कमान से रात्रि को पचेर लाया गया, जहां से वह पचेरी कला थाने से उनके पैतृक गांव ले जाया गया। शहीद की 3 साल की बेटी अवनी को आज यही पता नहीं चला कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वह अंतिम विदाई दौरान अपने पिता को उस पर फितकार सलामी दी। शहीद मनोज कुमार यादव की पार्थिव देह जब उनके घर पहुंची तो कोहराम मच गया और परिवारजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। शहीद वीरांगना ज्योति देवी ने अपने पति को सलाम किया। गांव के राजकीय विद्यालय के पास मुख्य सड़क पर शहीद मनोज यादव की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन किया गया। इस दौरान बड़ा भाई जो बीएसएफ में तैनात है प्रमोद यादव ने छोटे भाई को मुखाग्नि देकर फुट फुट कर रोने लगे। सेना के अधिकारी ने मनोज यादव के पिता जगदीप प्रसाद और बड़े भाई प्रमोद यादव को तिरंगा सुपुर्द किया और उनका हौसला बढ़ाया। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान झुंझुनू पुलिस लाइन से आए पुलिस के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई। दरअसल बता दें कि शुक्रवार को सिक्किम के जेमा में सेना ट्रक खाई में गिरने आने से 16 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें राजस्थान के 3 जवान भी शामिल थे।